नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ओप्पो F27 5G वर्सेस मोटोरोला H50 Fusion 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F27 में 6.42 इंच जबकि 50 Fusion में 6.38 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि F27 से कम है। विड्थ की बात करें तो F27 में 2.98 इंच जबकि 50 Fusion में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि F27 से कम है। बात करें थिकनेस की तो F27 में 0.3 इंच जबकि 50 Fusion में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो F27 में 187 ग्राम जबकि 50 Fusion में 175 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो F27 में फ्लैट OLED जबकि 50 Fusion में पी OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F27 में 86.88% जबकि 50 Fusion में 90.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F27 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 50 Fusion की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो F27 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 50 Fusion की बात करें तो उसमें 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो F27 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 50 Fusion में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F27 में माली G57MC2 जबकि 50 Fusion में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F27 में MediaTek Dimensity 6300 और 50 Fusion में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो F27 में 8GB की RAM मिलती है, जबकि 50 Fusion में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो F27 में अप टू 2TB जबकि 50 Fusion में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो F27 में 2 कलर्स जबकि 50 Fusion में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो F27 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ ₹0
8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 50 फ्यूजन की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 27,900 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 50 फ्यूजन आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में 50 फ्यूजन आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Vivo S19 5G है, तीसरा Honor 200 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G85 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।